आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इजी कस्टर्ड केक की रेसिपी, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगती है। और हम इस केक को विदाउट ओवन, विदाउट कर्ड, विदाउट एग, विदाउट कंडेंस मिल्क पाउडर, विदाउट सोडा, विदाउट इनो एंड विदाउट कोई एसेस के बहुत ही इजीली बनाकर रेडी करेंगे। एंड आई एम श्योर आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को प्रीहीट करेंगे। यहाँ मैंने 2 कप के अप्रोक्स सॉल्ट लिया है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब मिड में स्टैंड रखेंगे। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके मैदा से डस्ट कर लिया है। ये सब काम हम पहले ही कर ले तो काम इजी हो जाता है। कस्टर्ड केक को बनाने के लिए बोल में 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। केक बनाने के लिए हमेशा अनफ्लेवर्ड ऑयल का ही यूज करें। अब इसमें 1 कप पाउडर शुगर डालेंगे। अब इस दोनों को 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि मिक्स हल्का फ्लपी हो गया है। अब इसमें 1.5 कप रिफाइंड फ्लोर ऐड करेंगे, यानी मैदा। अब इसमें 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने वनीला फ्लेवर कर लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब स्टेज पर स्टेप बाय स्टेप मिल्क ऐड करके 1 डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। यहाँ टोटल 1 कप मिल्क यूज हुआ है बैटर बनाने में। मेक श्योर मिक्स को ज़्यादा मिक्स ना करें, अदरवाइज केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ टूटी फ्रूटी लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लोर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि टूटी फ्रूटी बैटर में नीचे नहीं बैठेगी। अब इसे हम केक के बैटर में डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब केक टिन में सारे बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। इसे एक बार टेप कर लेंगे सो डेट बैटर में एयर बबल्स क्रिएट ना हो। देन गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। अब इसे हम प्री हीटेड पैन में सेट कर देंगे। अब इसे कवर करके 30-35 मिनट बेक होने देंगे। आप इसे 25 मिनट के बाद एक बार चेक कर सकते हो। 35 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके केक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि केक ऑलरेडी केक टिन से अलग हो चुका है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। वाओ, देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली निकल गया। अब मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड कितना परफेक्ट बेक हुआ है और हमने इस केक को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाकर रेडी कर लिया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। आपको मेरे कट करने से ही लग रहा होगा कि केक कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड परफेक्ट टेक्सचर है और ये केक बच्चों की तो फेवरेट होती है।
आप इस केक को ज़रूर बनाएं एंड इस केक को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत भी नहीं है। Then guys, if you like my videos, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, Resma's Kitchen. And do not forget to press the bell icon so that you will get notifications of latest videos. I will be back with another recipe. Thanks for watching. Till then, take care. Bye-bye.